संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती उर्फ पद्मावत जहां बड़े ही चर्चे में थी, वहीं अब सभी फिल्म के टीम मेंबर्स को थोड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि सीबीएफसी ने पद्मावत को यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये क्या, अभी भी इनका खतरा टला नहीं, क्योंकि करनी सेना का ये कहना है कि जिस प्रकार भंसाली की फिल्म काल्पनिक है, उसी प्रकार जब हम सिनेमा हॉल में फूल बरसाएंगे वो भी काल्पनिक ही होगा और इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार और सीबीएफसी होगी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा है ये फिल्म राजपूत के प्रति एक हमला है, ये हमारा कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और गलत चीज फैला रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाया गया है कि ऐसी मूवी रिलीज करना क्यों इतना जरूरी है जिससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हो। अब तो देखना ये है कि 29 कट्स और टाइटल चेंज होने के बाद भी क्या पद्मावत रिलीज हो पाएगी या नहीं। अपने व्यूज कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसे खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।